नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2, इसका प्रश्न नंबर चौथे का तीसरा भाग है। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। हमें देखना है कि यह युग्म संगत है या असंगत, और यदि संगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल निकालना है। तो सबसे पहला जो काम है वो है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए देखिए a1 बटा a2, a1 होता है x के साथ, पहली इक्वेशन में x के साथ वाली रकम a1 होती है 2, और दूसरी रकम में x के साथ वाली रकम होगी a2 यानी 4। b1 होगा y के साथ, यदि कुछ नहीं है तो 1 है, तो b1 होगा 1 बटा, यहाँ y के साथ है -2। C1 होगा यहाँ है -6, C2 है उधर -4 के बराबर। तो इसे काट के देखते हैं क्या कट सकता है। a1 ये 2 के पहाड़े में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। ये पहले ही आपस में कटे नहीं हैं ना कट सकते हैं, तो ये है 1/-2। C1/C2 माइनस से माइनस कट गया, 2 के पहाड़े में 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 3/2, 3/2। अब देखिए a1/a2 है 1/2, b1/b2 है 1/-2, c1/c2 है 3/2। ये कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं a1/a2 b1/b2 के बराबर है या नहीं। तो यहाँ है 1/1/2, ये है 1/-2, तो ये a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, यह बराबर नहीं है। और यदि यह बराबर नहीं है तो हम अपना टेबल उठाकर देखते हैं। a1/a2 यदि b1/b2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और उनका केवल एक हल अद्वितीय होता है, एक एक अद्वितीय हल होता है, और वह संगत रेखाएं होती हैं। तो मैं इसके साथ लिखूंगा केवल एक अद्वितीय हल, और हमने पढ़ा है जिसका हल है वो संगत, जिसका हल नहीं है वो असंगत। तो हम लिखेंगे यह रैखिक युग्म संगत है, और हमसे कहा गया है कि यदि यह रैखिक युग्म संगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल निकालिए। तो ग्राफीय विधि से हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोबारा लिखिए। 2x + 1y = सॉरी -6 = 0, और यहाँ है 4x - 2y - 4 = 0। ये दो इक्वेशन है, इसको हल करके देखते हैं। 2x = -6 उधर जाके हो जाएगा +6, y यहाँ प्लस क्या है उधर जाके हो जाएगा -y। ठीक है बच्चों, x = 6 - y, 2 इधर गुना हो रहा है उधर जाके हो जाएगा भाग। ऐसे ही यहां पे करके देखते हैं हम। 4x = 2y, यहां माइनस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा +2y, 4 यहां माइनस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा +4। इनमें ये देखो, ये भी 2 के पहाड़ में आता है, ये भी 2 के पहाड़ में आता है, ये भी 2 के पहाड़ में आता है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं बराबर। यहां से 2 कॉमन ले लो तो 2y में से 2 कॉमन गया, बाकी रह गया y। 4 को 2 से भाग कर दिया तो बाकी रह गया 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 से यह 2 काट देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y + 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y + 2। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारे पास, हमें दो समीकरणें प्राप्त हो गई हैं। पहली है x = 6 - y/2, दूसरी है x = y + 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इनका टेबल, अब हम बनाएंगे इनका टेबल। आइए थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं। ये इस समीकरण का टेबल होगा और यह इस समीकरण का टेबल होगा।
ठीक है बच्चों, तो पहले हम एक टेबल बनाएंगे फिर दूसरा बनाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके आइए देखते हैं, ये है एक्स ये है वाई। सबसे पहले वाई की वैल्यू ना, क्योंकि इसको बाद में हमने टू से भाग करना है, इसलिए वाई की वैल्यू, ये भी इवन है ये भी इवन होगा, तो इसको भी इवन ही लेने की कोशिश करेंगे, यानी दो के पहाड़ी वाली। तो कोशिश करते हैं, जैसे सबसे पहले वाई ले लो दो, सबसे पहले वाई ले लो दो, तो x किसके बराबर होगा? देखो y की जगह दो मानोगे, अपने मन में कैलकुलेशन करनी है, y की जगह दो, तो छः में से दो निकाला चार, ठीक है ना बच्चों, y की जगह y दो लिया ना मैंने, तो y की जगह लिखा दो, इसकी जगह लिखो दो, छः माइनस दो, छः में से दो माइनस किया चार, चार को दो से भाग कर दिया दो, ठीक है बच्चों, आसान है ना, छः माइनस दो होता है चार, चार को इस दो से भाग कर दिया तो हमारे पास आ गया दो। अब मैं मानता हूं y चार के बराबर, अब देखो क्या होगा, y की जगह सोचो चार, छ माइनस चार कितना हो गया दो, दो को दो से भाग कर दिया दो एकम दो, ये समझ आया, छ में से चार माइनस किए, छ में से चार निकाले दो, दो को दो से भाग कर दिया तो उत्तर आया एक। अब y मान लो छ, अब देखो y की जगह छः रखो, छः में से छः माइनस किए ज़ीरो, ज़ीरो को दो से भाग कर दिया ज़ीरो, तो ये हमारा पहला टेबल बन गया, ठीक है बच्चों। दूसरा टेबल हम देखते हैं, x बराबर y प्लस टू, ये तो बहुत आसान है, हम यहाँ पर इसे लेते हैं x और इसे लेते हैं y, ठीक है बच्चों। तो आओ x बराबर है y प्लस टू, यानी y की जो भी वैल्यू लोगे उसमें टू प्लस करते जाना, वाई मान लो मैंने लिया वन, तो x कितना हो जाएगा, y प्लस टू, वाई की जगह वन, वन प्लस टू थ्री, एक्स वाई ले लो दो, तो y की जगह दो, दो प्लस दो चार, x कितना आ गया चार, इसी प्रकार से y ले लो तीन, y लिया तीन, तो x कितना हो जाएगा, y प्लस टू, वाई की जगह तीन, तीन प्लस टू, तीन प्लस दो कितना हो गया पाँच, ठीक है बच्चों। तो ये दो हमारे पास टेबल आ गए बच्चों, इसके आगे का काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अब आपने क्या करना है, ग्राफ बनाइए जैसा हम पिछले प्रश्नों में बनाते रहे। ग्राफ बनाने के बाद मान लो इसको टेबल वन मानेंगे और इसको टेबल टू मानेंगे, तो ग्राफ पर पहले टेबल वन को रिप्रेजेंट कर दो, x की वैल्यू दो और y की वैल्यू दो चुनकर, ठीक है, फिर x बराबर वन y बराबर फोर चुनकर, फिर x बराबर ज़ीरो y बराबर छः चुनकर, तो ये एक ग्राफ, तीन बिंदु मिलेंगे, तीन बिंदुओं को फुट्टे से जोड़ेंगे तो वह आपकी एक रेखा आ जाएगी जो इस समीकरण को निरूपित करती होगी। इसी प्रकार से फिर दूसरा टेबल जो है x बराबर तीन y बराबर एक, इसको भी आपने ग्राफ में बनाना है, ठीक है, ये आपने प्रश्न नंबर दो में किया हुआ है ये काम, इसीलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपकी दो बिंदुएं इस प्रकार से आपस में मिली हैं ग्राफ पर, ये आपका ग्राफ है, तो यहाँ जिस बिंदु पर ये मिले उसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपने देखकर बता देना कि इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है, और अंत में आपने लिख देना है एक्स बराबर डैश वाई बराबर डैश रैखिक युग्म का हल है। अगर ना समझ आए तो आप प्रश्न नंबर दो देख सकते हैं, उसमें आपने काम किया हुआ है, आपने किया है इसीलिए मैं आपको करने को दे रहा हूँ, ठीक है, मेन काम था ये, जिससे कि हमने पहले देखना था कि यह संगत है या नहीं, यदि संगत है तो इक्वेशनें बनानी है, समीकरणें प्राप्त हो जाए तो उनके टेबल बनाने, इतना मैंने आपको करवा दिया, बस अब आप ग्राफ अपने आप से बना लीजिएगा। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा, धन्यवाद।